तो लाइक नहीं रुकने चाहिए, हटो हट यहाँ पे। यहाँ देखो यार, कीबोर्ड में हमने फाइनली यहाँ पे एंट्री ले लिया है। यस यार, सोचा कीबोर्ड भी बनाई जाए क्या वीडियो, लो यार पकड़ के ले आया एकदम खींच तान के। तो आज यार कीबोर्ड को करते हैं अनबॉक्स वनबॉक्स। बेसिकली वैसे यार मैंने इससे पहले यार कीबोर्ड पे ऐसा बात नहीं करी है, यार पसंद आएगा और वीडियोज ले आएंगे। बाकी देखो मैं यार क्रियो की तरफ गया हूँ, इनका ये बजट का एक कीबोर्ड है, 3000 रुपए के आसपास आ जाता है, हल्की मस्ती है। बाकी क्या पावरफुल है, क्या कुछ मिलते हैं फीचर वीचर, अनबॉक्स के साथ शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। कीबोर्ड का बॉक्स यार वैसे ही यार इतना लंबा चौड़ा होता है। इसके अलावा इसका अगर आप ध्यान से देखोगे तो सबसे पहले अपने क्रियो की यहाँ पे आपको ब्रांडिंग मिल जाती है, साथ ही साथ HIVE 98 दोस्तों 98 आएगा इसके, यार इसके अंदर जो कीज है ना टोटल 98 है, उस कारण ये एक नंबर दे दिया गया। साथ ही में आपको 400 डेज की वारंटी ये सब तो मिली जाती है। कीबोर्ड मैं फर्स्ट टाइम खुद अनबॉक्स कर रहा हूँ और यहाँ पे अगर आप लाइन से फीचर्स देखना चाहो तो देख सकते हो। कुछ हॉट फीचर्स मैं आपको यार बाद में बता दूंगा। बाकी ये मेरे पास जो है ये रेड स्विच वाला है बस। कीबोर्ड के बॉक्स में और कुछ नहीं मिलता भाई, यहाँ पे इतना झंझटबाजी नहीं है। यहाँ सिंपल यार स्टील ब्रेक करते हैं और यहाँ पीछे भी कुछ डिजाइन विजाइन दे रखा है और ये अपना मेन यहाँ से एरिया ओपन होता है भाई और ये मेन आ गया है। सबसे पहले कुछ अपने को क्रियो वालों के स्टिकर्स मिल जाते हैं, इसको कभी कभार यूज कर लेंगे। साथ में एक मैनुअल आता है, मैनुअल इन द सेंस इसमें जरूर वही अपना फंक्शन कीज के शॉर्टकट होंगे यार दोस्तों, तो ये बहुत कम लोग यूज करते हैं, करना चाहिए, शॉर्टकट पे तो पूरा कीबोर्ड चलता है यार। इसके अलावा बॉक्स में अपने को ये कुछ मिल जाते हैं, ये आप चेंज कर सकते हो अगर खराब वराब हो जाए ना। ये पूरा तामझाम दे रखा है, अच्छा लगा ये देख के। और मेन ये अपना कीबोर्ड आ जाता है, काफी मजेदार पैकिंग यहाँ पे हमने खोल ली और ये मेन अपना कीबोर्ड आ गया। काफी अच्छा लग रहा होगा देखने में, दमदार तो है भाई। साथ में नजर से देखो तो फर्स्ट नजर में तो काफी अच्छा लगता है, ये ब्लू और ब्लैक का जो कॉम्बिनेशन है दिल को लुभा जाए उस तरीके का कुछ फील है। बाकी यहाँ कीज लग रहे हैं भाई, टॉप क्लास यूज करे गए। बाकी लाइट वाइट का जुगाड़ है, ये तो चला के देखेंगे तब पता चल जाएगा। इसके अलावा बॉक्स में और क्या मिलता है, बस नाइसली डन भाई। एक आपको ये केबल मिल जाती है पीसी से अटैच करने के लिए, यूएसबी टू टाइप सी अपनी ये रहने वाली है। ये आ गया, ये बेसिकली इस कीज को निकालने के लिए यूज कर सकते हो, लाइक आपको की कोई चेंज करनी है इन दैट केस। तो यही दोस्तों बस कीबोर्ड की अनबॉक्सिंग में ज्यादा कुछ नहीं होता, ये अपना आ गया मामला। अच्छा फीचर्स बताओ। ठीक है दोस्तों, ये कंप्लीटली अनबॉक्सिंग सीन था, डब्बे को हटाते हैं और कीबोर्ड सुरसुरा एकदम भाई खतरनाक टाइप का है। देखो डिजाइन वाइज सबसे पहले बताऊं तो काफी फर्निश टाइप लगता है, साथ में इसमें लाइट वाइट की उपस्थिति आपको मिल जाती है तो उसके कारण कीज भी काफी अच्छे लगते हैं। विदाउट लाइट भी आप चला सकते हो, साथ ही साथ बैक में अगर आप देखोगे तो 2 लेवल आपको यार इसके अंदर गियर आप मतलब ऊपर उठा सकते हो, कीबोर्ड नहीं होता पीछे के साइड से, वो चीज मिल जाती है। बाकी डिजाइन मुझे काफी परफेक्ट लगता है, देखो जिस प्राइस में आता है 3000 रुपए की प्राइसिंग में मिल रहा है भाई, तो वहां पे यार जो डिजाइन है वो इस तरीके का आपको मिल जाता है। साथ में हल्की फुल्की प्रीमियम वाइब मिल जाती है। एक चीज और मेरे को मस्त लगी दोस्तों, इसके अंदर डायल टाइप का आपको साइड में मिलता है, ये डायल बेसिकली वॉल्यूम के लिए रहता है और ये चीज मैंने बहुत महंगे महंगे मदरबोर्ड में देखे हैं बट यहाँ पे मिल जाता है। इसके अलावा RGB तो आजकल के कीबोर्ड की जान है भाई, तो यहाँ पे भी आपको RGB के काफी कॉम्बिनेशन मिल जाते हैं। कोई फंक्शन बटन का यूज करना है और लाइट वाइट अप डाउन कर सकते हो और बहुत सारे मैनुअल तरीके हैं यार लाइट के गियर अप कर सकते हो। ठीक ठाक है, एवरेज लगा आई गेस। यहाँ पे आपको 7 के आसपास कॉम्बिनेशन मिल जाते हैं, तो लाइट अलग अलग कलर लगाओ, मौज करो और क्या। बाकी दोस्तों एक मजे की चीज, इनका एक सॉफ्टवेयर भी है क्रियो का, इनके बेसिकली हार्डवेयर के ऊपर है, तो इस कीबोर्ड का भी आपको शॉर्टकट इनके पेज पे मिल जाएगा और उसके थ्रू आप चाहो तो यार ब्राइटनेस व्राइटनेस और तगड़ी कंट्रोल कर सकते हो, मतलब कलर वलर वहां से भी आप चेंज कर सकते हो। कीबोर्ड तो ऑप्शन है ही, वहां से स्पीड ब्रीथिंग या फिर अलग अलग इफेक्ट जो है ब्राइटनेस हो गया सब ऊपर नीचे दाएं बाएं कर सकते हो। साथ में बटन सेटिंग्स और मैक्रो करके अरेंजमेंट हो गया, फिर अदर सेटिंग्स आपको काफी कुछ मिल जाएगा, मतलब कीबोर्ड का डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर जहां से सब कुछ हो जाए। वाह। इसके अलावा आप इसकी कीज को आराम से रिमूव की कर सकते हो, साथ में आपको इंस्ट्रूमेंट तो मिल ही जाता है, उससे पकड़ो खींचो तानो और बेसिकली रिमूव करने का यही पर्पस है कि अगर आपको मन करता है तो दूसरी की कैप्स भी लगा सकते हो, ये चीज अच्छी रहती है और इंस्टॉल करना भी काफी सिंपल है यार। बाकी एट द एंड दोस्तों अगर सस्ते में मैकेनिकल का मजा लेना है तो ये काफी अच्छा चॉइस है। इवन साउंड वाउंड के हिसाब से भी अगर देखो, साउंड वैसे तो क्लियर है दोस्तों, यहाँ माइक रख देता हूँ और काफी हद तक मैकेनिकल कीबोर्ड टाइप का ही साउंड आता है। साथ में यार सबसे मजेदार चीज ना इसका ये है, ये कुछ अलग ही करना चाहते हो। इसके अलावा लाइट इफेक्ट ये सब तो नॉर्मल कीबोर्ड वाली चीजें मिली जाती है। फीचर्स मैंने आपको खुले हम सारी चीजें बताई दी है ऑलमोस्ट, है ना। टॉप क्लास है कि नहीं, तो ठीक है एवरेज मैं बोलूंगा यार, 3000 के प्राइसिंग में ठीक ठाक डिसेंट कीबोर्ड है। बाकी आपको कैसा लगा बताना कॉमेंट में। कीबोर्ड का ऐसा मैंने साथ खोला नहीं था, मैं खुद अभी तक भाई 700 रुपए का कीबोर्ड यूज कर रहा, चौंक गए क्या, यही चल रहा था। बाकी चलो अब थोड़ा बोलोगे तो और कीबोर्ड लाए जाएंगे, कैसा लगा बताना कॉमेंट में। बाकी चलो इस वीडियो में इतना, अगर पसंद आई हो तो बिल्कुल भाई लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब बनता है ऐसे ही टेक रिलेटेड वीडियोस के लिए, शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय यार, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।